जनपद अलीगढ़ के अतरौली इलाके में एक स्कॉर्पियो कार में निजी हॉस्पिटल संचालक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती के साथ अवैध संबंधों को लेकर हॉस्पिटल संचालक हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। जनपद बुलंदशहर में कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से व्यापारी के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने निजीकरण की नीति को वापस लिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार पर बिजली विभाग को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपे जाने का आरोप लगाया। जनपद हमीरपुर में खबर चलने का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद सुमेरपुर कस्बे में महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे के आसपास लगे पार्टियों के बैनर और पोस्टरों को हटवा दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने आनन फानन में प्रतिमा के चारों ओर लगे सभी बैनर पोस्टर को हटवाकर प्रतिमा का सौंदर्यीकरण करवा दिया। जनपद अलीगढ़ के अतरौली में नुमाइश में दुकान से खरीदारी करने गई महिला के साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ की घटना के बाद भीड़ ने दुकानदार को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को बमुश्किल बचाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जनपद बुलंदशहर में दो गुटों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मोहल्ले के लोगों ने हमलावरों को जमकर पीटा। पूर्व बसपा के मंत्री ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे पर हमला करने का आरोप लगा है। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू को थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तेजवीर सिंह गुड्डू को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है।